धर्मशाला की ठंडी वादियों में आज उस समय गर्माहट देखने को मिली जब विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार पर जहां एक ओर विपक्ष के लोगों को धमकाने का आरोप लगाया, वहीं स्कूलों में वर्दी के आवंटन में सरकार की असफलता और बाबा रामदेव को जमीन के आवंटन को लेकर राज्य सरकार को घेरा। जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हवाला देते हुए बोलने का समय मांगा और जैसे ही इसकी इजाजत मिली तो तलख शब्दों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इन दिनों विपक्ष को धमका रहे हैं और जवाबी कार्यवाही की बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि एक साल हो जाने के बाद भी सरकार स्कूली बच्चों को वर्दी देने में नाकाम रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि जिस तरह से बाबा रामदेव को जमीन का आवंटन किया गया है, उससे लगता है कि हिमाचल ऑन सेल है। विपक्ष द्वारा सदन में 10 मिनट तक शोर शराबे के बाद भी जब विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की तो कांग्रेस सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच प्रश्नकाल भी आरंभ हो गया। लगभग 20 मिनट तक सदन में शोर शराबे का माहौल रहा और बाद में कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। मंत्री जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे एक ही बयान दे रहे हैं कि मैं विपक्ष को देख लूंगा, मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, मैं FIR दर्ज कर दूंगा, मेरे पास बहुत मसले हैं। ये विपक्ष को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, विपक्ष को धमकाना चाहते हैं। विपक्ष जो है लोकतांत्रिक अधिकार से जो है यहाँ चुन के आया है, हमारा काम है जो सरकार गलत कर रही है उसको रोकने के लिए। चार्जशीट का जिक्र उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ इसमें एक बात ही कही है कि चार्जशीट का जिक्र तुम एक वर्ष का कर रहे हैं तो हमारे पास भी 5 वर्ष की पड़ी हुई है, वो हकीकत है। और उसके बाद मुझे बड़ी हैरानी है, आज उनने प्रश्नकाल जब शुरू होने लगा उस वक्त नियम के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत किसी भी विषय पर कोई चर्चा की अगर मांग की जाती है तो मांग की जाती है उसमें नियम के अनुरूप जो है वो नोटिस दिया जाता है और उसके तहत जो है वो चर्चा मांगी जाती है। बिना नोटिस दिए बिना सीधे खड़े होकर के प्रश्नकाल में खड़े होकर के लगातार बोलते रहे और तमाम जो है जो चार्जशीट वो बनाने की बात कह रहे हैं वो चार्जशीट आज एक तरह की आज ही उन्हें दे दी अपनी ओर से। मुझे लगता है कि बहुत गलत तरीके से गलत परंपराओं का साथ सहयोग देते हुए उन्होंने शुरुआत की है और उम्मीद करता हूँ कल से उन सारी चीज से हट करके वो एक रचनात्मक भूमिका निभाने की दृष्टि से माननीय सदन में आएंगे और सार्थक बिंदुओं पर चर्चा। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस राज्य सरकार को स्कूलों में वर्दी के आवंटन के मुद्दे पर घेरेगी, ठीक वैसा ही हुआ और आने वाले 5 दिनों में भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखेगा। धर्मशाला से नंदिनी मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, शिमला।